बिलासपुर में पुलिस को लूट के अलग अलग मामलों में सफलता मिली है। पुलिस ने कोतवाली सीपत और सकरी क्षेत्र में लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि 27 जनवरी को सीपत में प्रार्थी ने थाने में लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 29 जनवरी को कोतवाली थाने में क्षेत्र में लूट की वारदात हुई थी। बता दें कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान ये पता चला कि लूट का मास्टरमाइंड आकाश श्रीवास है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 आरोपियों ने लूटपाट के गहनों की खरीदारी की थी। बिलासपुर पुलिस के द्वारा जो है लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से एक आरोपी है आशीष श्रीवास, जो 3 घटनाओं में शामिल था। सीपत में एक बाइक की लूट पहले इन्होंने की थी, उसके बाद सनीचरी रफ्ता के पास जो है कोतवाली क्षेत्र में एक सोने चांदी के व्यवसायी से उसका थैला सोने चांदी का छीन कर ये भागे थे, जिसमें लगभग 6.5 लाख रुपए का मसरूका था। इसमें जो है तीनों घटनाओं में इसके साथ ही आरोपी जो है अलग अलग थे, और इसमें कुल अभी हमने जो है 7 लोगों की गिरफ्तारी की है, और कुल इसमें जो है लगभग 5 लाख रुपए का मसरूका, जिसमें सोने चांदी के जेवर, लूट का कैमरा और लूट की घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। बिलासपुर